हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हमारी रीजनिंग की पार्ट टू क्लास है, जो कि चल रहा है क्रम व्यवस्था क्रम परीक्षण, जिसको रैंकिंग टेस्ट कहते हैं। और आज रैंकिंग टेस्ट की पार्ट टू वीडियो बन रही है, पार्ट टू क्लास यानी सेकेंड क्लास है। अब इस हमने फर्स्ट क्लास में आपको क्या बताया था, फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया गया है किसी एक इंसान की अगर दोनों स्थितियां दे दी गई हों, किसी एक इंसान की, पहली क्लास में आपको बताया गया है किसी एक इंसान की लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू दे दी गई हो, तो हम उससे क्या निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। पहले टाइप की बात कर रहे हैं, देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है। या तो फिर टोटल दे दिया गया हो किसी एक इंसान की पंक्ति का कि 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें से राकेश का 9वां स्थान है दाएं से, तो बाएं से क्या होगा, यानी कि जब आपको टोटल दे दे और क्या दे दे, राइट दे दे, टोटल दे दे और राइट दे दे, तो आप उससे लेफ्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल की तरफ माइनस कर दीजिए तो लेफ्ट वहीं पर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस आर प्लस वन, ये हो गया सेकेंड। अगर आपको आर दे दिया, राइट निकालना है, लेफ्ट दे रखी है वैल्यू, तो टोटल में से क्या करेंगे, लेफ्ट को माइनस कर दीजिए और प्लस वन कर दीजिए, किसे राइट निकालने के लिए प्लस वन कर दीजिए। इसी फॉर्मूले से एक्सचेंज हुआ, देखिए कैसे होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो देखिए जब हमको लेफ्ट निकाल, तो लेफ्ट को छोड़िए, यहाँ आर को लेकर धरेंगे तो टोटल में से आर माइनस हो जाएगा और माइनस से धरेगा तो ये प्लस हो जाता है। अब अगर राइट आपको निकाल, तो राइट यहाँ पे रखेंगे, एल माइनस करेंगे टोटल में से, तो एल माइनस हो गया, माइनस वन इधर आएगा तो प्लस हो जाता है। तो ये तीन फार्मूले बनते हैं किसी एक इंसान के लिए ना, किसी एक किसी एक इंसान या वस्तु के लिए, इंसान या वस्तु के लिए, किसी एक इंसान या वस्तु के लिए तीन प्रश्न तैयार होते हैं। टोटल भी निकाल सकते हैं उस इंसान में, उस पंक्ति में इंसान की टोटल वैल्यू निकाली जा सकती है, और लेफ्ट वैल्यू भी निकाली जा सकती है अगर टोटल और राइट दिया है तो, और राइट वैल्यू भी निकाली जा सकती है यदि टोटल और लेफ्ट दिया हो तो। पहला टाइप था। सेकेंड टाइप जो था वो था टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस मिडिल प्लस राइट के आधार पे। ये था जब दो इंसान या दो वस्तुओं की बात हो, कब, जब दो इंसान या वस्तुएं हो, ठीक है। ये था आपका सेकेंड टाइप। इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, जब टोटल दे दे, देखिएगा टोटल दे दे, टोटल हमने रख दिया तो, और लेफ्ट दे दे दूसरे इंसान की, राइट दे दे, इसमें दो इंसान होते हैं, दो वस्तुएं होती हैं, तो देखिएगा टोटल दे दे, लेफ्ट दे दे, राइट दे दे, तो टोटल लेफ्ट और राइट को लाके माइनस कर देंगे, मिडिल निकाला जा सकता है। देखिए कई फार्मूले से कन्वर्जन फार्मूले हैं, ठीक। और फिर अगर राइट निकालना हो किसी दूसरे इंसान का, और उसमें आपको टोटल दिया है, लेफ्ट दिया है, मिडिल दिया है, तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा, राइट निकल जाएगा। वही किसी दूसरे इंसान का लेफ्ट निकालना हो, टोटल दिया हो, मिडिल दिया हो, राइट दिया हो, तो आप ऐसे लेफ्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका सेकेंड कंसेप्ट दो इंसानों के लिए, ठीक है। तो ये आपको कल के वीडियो में ये बताया जा चुका है, कल की जो क्लास थी, पिछली क्लास पार्ट वन में। आज जो पार्ट टू बन रहा है, पार्ट टू जो है वो है स्थान परिवर्तन के आधार पर। पार्ट टू जो है स्थान परिवर्तन के आधार पर, इसके प्रश्न जो होते हैं ये हमेशा सस्पेंस में बने रहते हैं बच्चे की, ये ऐसे स्थान परिवर्तन कैसे हो जाता है, स्थान परिवर्तन में हमेशा कंफर्म होते ही नहीं है। तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक भी बताते हैं, कंसेप्ट भी बताते हैं कि स्थान परिवर्तन जो थर्ड टाइप है वो क्या है, स्थान परिवर्तन के आधार पर, स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के आधार पर, स्थान परिवर्तन के आधार पर। तो क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन पहले लिया जाए, क्वेश्चन स्थान परिवर्तन के आधार पर, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है,
स्थान परिवर्तन के आधार पर समझिएगा, अगर स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन अगर एक बार आप ध्यान लगा के समझ लेंगे तो इसके कोई भी इसका कोई भी प्रश्न हो कितना भी क्यों ना डिफिकल्ट हो आप एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तब, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इजी से इजी प्रश्न भी आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिएगा किसी पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 12वां है। समझिएगा, पहले एक पंक्ति बना लेते हैं समझने के लिए। किसी पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से, देखिए ये राइट होता है, ठीक है, राइट को हम कहते हैं दाया, ठीक है दाया, और ये कहते हैं दाएं और इसको कहते हैं बाएं, ठीक है, ये बाया होता है और बाया को हम लोग लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट होता है ये, राइट ये होता है, ठीक है। तो कह रहा है किसी पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 12वां है, बाएं से कौथा है 12वें नंबर पे है, 12वें नंबर पे कौन है राकेश, और तथा दिनेश का स्थान दाएं से 15वां है, ये दाएं से कौन है 15वें नंबर पे कौन है दिनेश है। पहला स्टेटमेंट यही था कि किसी पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 12वां और दाएं से क्या है 15वां है दिनेश का स्थान। ठीक, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, बात समझिएगा, जब ये दोनों आपस में स्थान बदलेंगे तो जो इनका लेफ्ट है और ये जो राइट है ये पंक्ति का, तो जब स्थान बदलेंगे तो दिनेश आ जाएगा किसके स्थान पर, आ जाएगा राकेश के स्थान पे और राकेश चले जाएंगे दिनेश के स्थान पे। प्लेसिंग वैल्यू अभी इनकी होगी 12 और ये हो गए 15 इधर से और ये इधर से, ठीक है 15 नंबर पे, समझिएगा बात। अब जो राकेश था बाएं से राकेश 12वें नंबर पे था, वही राकेश चला गया कहां, देखिएगा वही राकेश चला गया, ये राइट है, ठीक है ना, राइट दाया राकेश नहीं है, ये दाएं से, ठीक है, तो यही और ये बाया है बाया, तो यही राकेश जो अभी 12वें नंबर थे बाएं से, वही राकेश चले गए दाएं से 15वें स्थान पे, और जो दिनेश 15वें नंबर थे वो राइट से थे, वो लेफ्ट से 12वां दे दिया उनका स्थान। अब आगे पढ़ते हैं, स्थान तो बदल गया इनका, चेंजिंग हो गया, ठीक है, चेंजिंग हो गया इनका स्थान, ठीक है, अब आगे पढ़िए, तो राकेश का बाएं से 20वां स्थान हो जाता है, बात समझिएगा, अभी स्थान जब बदला तो राकेश का हमें राइट वैल्यू पता चल गया, राइट वैल्यू राकेश का पता चल गया, राइट वैल्यू क्या मिल गई 15 नंबर मिल गया, राकेश का राइट वैल्यू 15 नंबर, और स्टेटमेंट कह रहा है राकेश का बाएं से 20वां हो जाता है, यानी बीच का हमें नहीं पता, बाएं से राकेश कहां चले गए, वो चले गए 20वें नंबर पे, 20वें नंबर पे राकेश की वैल्यू दे दी आपको राकेश, ठीक है, और ये था इनका राकेश की वैल्यू किधर से, लेफ्ट से, बस बात खत्म। अब हमें पता नहीं करना कि दिनेश कहाँ है, नहीं मतलब उनसे, हमें मतलब है राकेश के राइट से और राकेश के लेफ्ट से, और यहाँ पे पहला कंसेप्ट आपका काम कर गया कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, क्योंकि हमने स्थान परिवर्तित करके राकेश की एक वैल्यू निकाल लिया, तो राकेश का जो राइट है वो 15 है, लेफ्ट दे ही रखा है सेकेंड कंडीशन में 20 है, और ये हो गया माइनस 1, टोटल इज इक्वल टू 20 15 35 माइनस 1, यानी टोटल कितने है उस पंक्ति में, उसमें टोटल है 34, ठीक है, प्रश्न हो गया पहला सॉल्व। तो ये था आपका कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट समझ गए आप कि किस प्रकार ये चेंजिंग करते हैं तो इनकी वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है, आर चला जाता है डी के स्थान पे, डी चला जाता है आर के स्थान पे, और जब स्थान परिवर्तित करते हैं तो उसका जो एक वैल्यू दिया उसी इंसान का दूसरी वैल्यू दे देता है और उसी के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ टोटल तो हमें पता चल गया। अब एक कंडीशन यहाँ पे हम एक और जोड़ते हैं, क्या है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये तो ठीक है, राकेश की दोनों स्थितियां भी पता चल गई। अब क्वेश्चन उठाते हैं दिनेश का, समझिएगा अगला प्रश्न, दिनेश का फिलहाल में तो दिनेश यहां पे है, किधर से है, बाएं से है, तो दाएं से इनका स्थान, दिनेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा, स्थान होगा, देखिए क्वेश्चन बन गया एक और, दिनेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब तो आगे तो पहले हमने टोटल फाइंड कर लिया, इस पूरी सीरीज का हमने टोटल फाइंड कर लिया, तो टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब दिनेश की बात हो रही है,
दिनेश की बात हो रही है, दिनेश की बात हो तो देखिएगा दिनेश के लिए, दिनेश का फिलहाल में इनका चेंजिंग करने के बाद लेफ्ट वैल्यू कितनी है, लेफ्ट वैल्यू है आपकी दिनेश की, देखिए कितनी है लेफ्ट, 12 नंबर लेफ्ट है। टोटल आपने अभी निकाल लिया कितना, 34, ठीक है, प्लस आर माइनस वन कर दीजिए, 12 में से एक घटेगा 11 हो गया, प्लस राइट हो गया और ये हो गया 34, तो 34 में से 11 माइनस कर दीजिए, 34 माइनस 11 बराबर हो गया राइट, और 34 में से 11 गया तो 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23, राकेश का स्थान हो गया 23। तो ये होता है, हमने ये क्वेश्चन आपको बढ़ा दिया थोड़ा सा कि कैसे हम पहले टोटल निकालते हैं और टोटल कितने दूसरे वाले की भी लेफ्ट या राइट फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला कंसेप्ट स्थान परिवर्तन के आधार पर, ठीक है। एक और इसका एक एग्जांपल देखते हैं, रुक दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पहला एग्जांपल पे हमने सॉल्व करवा रखा है आपको पहला एग्जांपल, और पहले एग्जांपल में हमने दो प्रकार से बताया, पहले टोटल निकालना और टोटल के आधार पर हमने दूसरे की स्थिति निकालना बताया आपको। अब ये देखिए सेकंड इसके एग्जांपल क्या है, किसी पंक्ति में मीरा का स्थान बाएं से 20वां है, ठीक है, मीरा नाम की लड़की है उसका स्थान, पहले पंक्ति एक बना लेते हैं, मीरा का स्थान देखिएगा ये है पंक्ति, मीरा का स्थान बाएं से 20वां है, मीरा का स्थान बाएं से, देखिए लेफ्ट वैल्यू है लेफ्ट से कौथा है 20वां है, कौन है, मीरा, मीरा है, और राइट से कौन है, नीतू है, दाएं से 35वें स्थान पे कौन है, नीतू है, ठीक है, ये हो गया उसका दाएं, इस पंक्ति का दाएं है और ये क्या है बाया, ठीक है, दाया बाया है, दाया बाया, इसको राइट कहते हैं, इसको लेफ्ट कहते हैं, ठीक है, लेफ्ट कहते हैं, तो लेफ्ट हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन को समझते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं आपस में, तो मीरा बाएं से 55वें नंबर पे चले जाती है, देखिए स्थान फिर परिवर्तन कर रहे हैं, ये स्थान परिवर्तन करने पे जो मीरा है, देखिएगा स्थान परिवर्तन कर, तो पहले जो 20 नंबर पे जो था और ये जो 35 नंबर पे था, मीरा चली गई कहां, यहां चली गई, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं अभी, और नीतू चली आई यहां पे, स्थान परिवर्तन कर लिए, तो मीरा की जो कंडीशन है, मीरा की बात कर रहे हैं, तो मीरा का फिलहाल में हमें क्या मिला, राइट वैल्यू पता चल गई, मीरा की राइट पता चल गई, और क्या कह रहा है, 55वां स्थान मीरा का बाएं से हो जाता है, प्रश्न में आपको मीरा का 55वां स्थान बाएं से भी दे दिया लेफ्ट वैल्यू, तो राइट ये हो गई और लेफ्ट आपको प्रश्न ने दे दिया। राइट कैसे मिला, स्थान परिवर्तन करने से मिला, और लेफ्ट कैसे मिला, लेफ्ट हमको मिला प्रश्न के अनुसार, तो यहां पर टोटल कैसे निकलेगा, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट की वैल्यू, लेफ्ट की वैल्यू आपकी 55 है, राइट की वैल्यू 35 है, माइनस वन, टोटल इज इक्वल टू 5 5 10, 5 3 8 1 9 माइनस वन, टोटल इज इक्वल टू 89, यानी उसमें कितने बच्चे हैं, 89 बच्चे बैठे हुए उस पंक्ति में। अब इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको, क्योंकि अब फिगर बनाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, स्थान परिवर्तन करिए, इतने से बचने के लिए, देखिए 89 इसका आंसर है, हम लिख देते हैं ऊपर, और इसको एक ट्रिक से बताते हैं आपको, 89, ठीक है, ट्रिक देख लीजिए इसका, देखिएगा टोटल इज इक्वल टू होता है, इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में भी लिख देते हैं, पहले हिंदी में लिखते हैं, एक का नया प्लस दूसरे का पुराना माइनस वन, यह स्थान की बात हो रही है, प्लेसमेंट, एक का नया स्थान दूसरे का पुराना स्थान माइनस वन, टोटल आपका तुरंत निकल जाएगा, समझते हैं बात को, मीरा जिसका नया देगा उसका नया रखेंगे और दूसरे वाले का पुराना रखेंगे, मीरा का बाएं से 55वां स्थान हो जाता है,
ये नया स्थान इसका हो रहा है। तो एक का नया कितना नया है भाई, 55। दूसरे वाले का मीरा को नहीं देखना है, मीरा का हमने नया रख दिया, एक का नया रख दिया, अब दूसरे वाले का पुराना रखना है। दूसरे का पुराना, दूसरा कौन है, नीतू है, और नीतू बिचारी किस स्थान पे बैठी है भाई, दाएं से 35वें स्थान पे। नीतू का पुराना हमें बदलने से कोई मतलब नहीं है, एक का नया हमने रख दिया, नीतू का पुराना, दूसरे का पुराना रखना है। पुराना कौन है, 35 है, -1, बस टोटल इज इक्वल टू 35, घटा दीजिए तो हो गया वही बात, 90-1, ये क्या हो गया, टोटल इज इक्वल टू 89। एक का नया, दूसरे का पुराना, -1, ये देखिए कितने ट्रिक में हो गया, ना डायग्राम बनाने का टेंशन, ना आपको एक्सचेंजिंग करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक, इसको इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहते हो तो देख ले, सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल इज इक्वल टू इंग्लिश में लिखिएगा, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्या फर्स्ट का नया है ना, तो लिख देंगे ऐसे, देखिए फर्स्ट कैसे लिखते हैं आप लोग, FIRST, फर्स्ट वैल्यू, एक का नया क्या लिखे, देखिएगा फर्स्ट न्यू और ये सेकेंड ओल्ड, ठीक है, फर्स्ट न्यू कर लीजिएगा और सेकेंड ओल्ड -1, बस फर्स्ट जो यानी एक जो पहला होगा उसका न्यू, सेकेंड का ओल्ड -1, बस। तो ये था आपका ट्रिक जो कि स्थान परिवर्तन के आधार पर था। अब आते हैं नए कंसेप्ट के ऊपर, देखिए नेक्स्ट जो नेक्स्ट टाइप है वो तुलना के आधार पर है। तुलना जो होती है वो किस प्रकार से होती है, तुलना हमारे गांव में भी है, कहीं भी आपस में लोग तुलना करते हैं, अमीरी गरीबी पे तुलना हो जाती है, लंबा लंबा और छोटे पे हो जाता है, तुम लंबा कि हम छोटे, फिर होता है नेक्स्ट काला गोरे पे तुलना हो जाता है, तो तुलना जो होता है मोटे पतले के ऊपर हो जाता है। तो तुलना जो होता है वो तुलना हमेशा दो अपोजिट साइड के में होता है ना, तो ये तुलना के आधार पर प्रश्न बनते हैं, वो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये तुलना वाला सबसे इजी प्रश्न है, बस समझने का कॉन्सेप्ट है। आप लोग पढ़े होंगे कि पांच और छह में कौन बड़ा, छह बड़ा, तो छह बड़ा तो छह की तरफ हम क्या कर देते हैं, मुंह खोल देते हैं और इधर का मुंह क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों, अगर इसको समझना है तो एक लॉजिकल बात समझिएगा, जो बड़ा होता है वो छोटे को हमेशा क्या करता है, मारता है। देखिए छोटे वाले को ये तीर से मार रहा है ना, ये होता है, जैसे 15 और 12 की बात की जाए तो देखिए मुंह इधर का हो गया, 12 छोटा 15 बड़ा, बड़ा 15 है तो 12 को मार रहा है अपने, ये तीर से मार रहा है। तो होता है बड़ा छोटे का कॉन्सेप्ट होता है। तो एरो बस लगाना आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बनते हैं। देखते हैं, प्रकाश गीता से लंबी है, ठीक है, प्रकाश गीता से लंबा है, तो प्रकाश जो होगा, प्रकाश प्रकाश, ठीक है ना, लंबा है तो चलिए हम प्रकाश को ऊपर कर दिए और किसे कर दिए नीचे, गीता को। एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, जोड़ते जाइए, प्रकाश गीता से लंबा है, प्रकाश को हमने ऊपर कर दिया, गीता को छोटी थी तो नीचे कर दिया। अमर प्रभात से लंबा है, ठीक है, अमर प्रभात की अलग जोड़ी बन रही है, अमर प्रभात से, लीजिए प्रभात हो गए नीचे, ठीक, अमर प्रभात से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता है। अब देखिएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट है, लेकिन जो कंजक्शन है वो किसको जोड़ रहा है, अमर प्रभात से लंबा है लेकिन उतना नहीं, ये प्रभात के लिए नहीं कहा जा रहा, अमर के लिए, जो लेकिन कह रहा है, लेकिन वाला जो स्टेटमेंट होता है वो पहले के लिए होता है। अमर प्रभात से तो लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं कि जितना गीता है, तो अमर के लिए फिर अब उससे ऊपर हो जाएगी कौन, गीता, इसी बात को समझना है यहाँ पे। अमर प्रभात से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है तो ऊपर कर दिए, लेकिन उतना लंबा नहीं है अमर, उतना लंबा अमर नहीं है, कितना कि जितना कि लंबी गीता, तो गीता अमर से भी ऊपर चली गई। अब आगे देखते हैं, जब गीता अमर से ऊपर चली गई तो गीता के लिए इस स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए मिल गया, तो गीता कहाँ हो गई, यहाँ पे हो गई, तो अमर उसके नीचे आ गए, अमर अमर उसके नीचे आ गए और उसके नीचे कौन आ गया, प्रभात। बात समझ में आई, स्टेटमेंट आपको जोड़ने के लिए मिलेगा। फिर प्रबोध प्रकाश से लंबा है, देखिए अभी तो खुद साफ साफ जोड़ रहा है, जो प्रबोध है वो प्रकाश से लंबा है, तो यहाँ पे हो गया आपके प्रबोध, प्रबोध, ठीक है।
तो इनमें सबसे छोटा कौन है भाई? सबसे छोटा प्रभात। सबसे छोटा कौन? प्रभात। ये था इसकी लॉजिक, ठीक है। एरो बस लगाना आप सीख लेंगे तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो ये था, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रभात होगा सबसे छोटा। अब अगला में दीना सुषमा से गोरी है, ठीक है ना। दीना जो गोरा है, गोरा तो गोरा जो होता है वो भी अपने आप को बड़ा ही मानेगा, भाई हम सुंदर है तो सबसे ज्यादा सुंदर, सुंदरता को भी बड़े देंगे, जो सुंदर ने उसको छोटा मानेंगे हम। तो जो सुंदरता की बात हो, दीना देखिएगा, जो दीना वाला स्टेटमेंट है दीना को लिख दीजिए। दीना किससे है गोरी? तो गोरी है वो दीना, जो गोरा है वो सुषमा से। सुषमा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आगे मोना सरजू से काली है। मोना अलग है, इन दोनों से नहीं मतलब है, तो उनको अलग लिख दीजिए। मोना जो है वो क्या है? सरजू से काली है। सरजू से काली है तो सरजू इनके ऊपर चली गई। सरजू गोरी ना हो गई मोना से, तो सरजू हो गई क्या? सरजू हो गई मोना से गोरी, उल्टा चल गया। मोना सरजू से काली है तो सरजू जब गोरी हुई तभी तो मोना काली हो गई। जया दीना से गोरी है। जया जो है वो दीना से गोरी है। दीना सुषमा से गोरी थी और इनसे भी गोरी मिल गई जया। तो लीजिए जया को ऊपर रख दीजिए। जया हो गई गोरी किससे? जया गोरी हो गई किससे? हो गई दीना से। लेकिन मोना जितना गोरी नहीं, जया की बात हो रही है, लेकिन मोना जितना गोरा नहीं। कौन? जया। तो मोना जितना नहीं होगा तो भाई देखिएगा, अब मोना जितना गोरा नहीं है तो मोना आ जाएगी कहां? जया के नीचे। तो देखिएगा जुड़ रहा है सेंटेंस। अब जया तो सबसे गोरी हो गई, जया दीना से गोरी है लेकिन मोना जितना नहीं है, तो मोना इनके नीचे आएंगी। मोना आ गई इनके नीचे। देखिएगा स्टेटमेंट एक बार और जोड़ते हैं, कहीं सेंटेंस गलत तो नहीं हुआ है। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। दीना सुषमा से गोरी गोरा है। तो देखिए दीना तो गोरा हो गया क्योंकि सुषमा नीचे चली गई। मोना सरजू से काली है तो मोना सरजू से काली, तो मोना नीचे चली आई। जया दीना से गोरी है तो जया को हमने ऊपर रख दिया। लेकिन लेकिन वाला स्टेटमेंट पे आते हैं। लेकिन मोना जितना गोरा नहीं, मोना ज्यादा गोरा हो रही है दीना जया से। तो जया के लिए स्टेटमेंट एक मिल गया कि मोना जितना जया गोरी नहीं है, यानी मोना क्या हो गई? ज्यादा गोरी हो गई जया से। तो ये आ गया मोना उसके ऊपर। तो देखिए सबसे रिलेशन क्या बन गया? सरजू 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 से कौन? जया। सरजू से नीचे मोना, मोना और मोना से नीचे जया, जया से दीना, ठीक है, और दीना से सुषमा। इसका जरूरी नहीं कि हम ऊपर नीचे बनाएंगे, हम ऐसे भी बना सकते हैं। सरजू कैसे लिखिएगा भाई? चूंकि पावर ज्यादा तो उसको पावर वाले को मुंह खोलिएगा, कमजोर को मारते चला जाएगा, मोना आ जाएगा ऐसे, ठीक है। मोना के बाद जया, जया के बाद कौन? जया के बाद दीना और दीना के बाद सुषमा, ठीक है। तो देखिएगा सुषमा, तो क्या पूछ रहा? तो बताइए इसमें सबसे काला कौन है? बिचारी कौन पड़ेगी? सुषमा पड़ेगी सबसे काली। तो ये था हमारा तुलना के आधार पे लास्ट कंसेप्ट है, उसको भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है दो व्यक्ति या वस्तुओं के मध्य अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के आधार पर। ये जो है इस टॉपिक का रैंकिंग का लास्ट टॉपिक है। इसके आधार पर हम प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट जो है ना, रैंकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, और नहीं समझेंगे तो हमेशा उलझे रह जाएंगे। इससे हमेशा एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। तो देखिएगा अधिकतम न्यूनतम संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं। एक पंक्ति में अमन आरंभ से, देखिएगा एक पंक्ति है, स्टार्ट और अंतिम पोजीशन दी है। एक पंक्ति में अमन आरंभ से, मान लीजिए यहां से वो आरंभ हो रहा है, स्टार्ट हो रही है पंक्ति, ठीक है, और यहां पे उसकी अंत हो जा रही है। ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट, और ये क्या है? स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। इसको आरंभ कहते हैं और इसको क्या करते हैं? अंत कहते हैं। तो क्या कह रहा है? एक पंक्ति में अमन आरंभ से पंद्रहवें स्थान पे, देखिए पंद्रहवें स्थान पे हमने रख दिया अमन को, अमन हो गया, और सुनील का स्थान दिया अंत से दसवें स्थान पे, ये हो गया दसवें स्थान पे कौन? सुनील हो गया। समझिएगा,
और दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठाने हैं तो अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कुल व्यक्तियों की कितनी होगी। अब तो हमारे दो माइंड में आता है, अगर हम सोचे दो पर अधिकतम की बात करें, अधिकतम अधिकतम तो अधिकतम तब होगा जब 15 व्यक्ति इधर से हैं, 10 व्यक्ति इधर से हैं, तो बीच में हम क्या कर दें, 5 व्यक्ति को बैठा दें। तो अधिकतम के लिए फॉर्मूला बन गया क्या कि प्रारंभ, प्रारंभ या आरंभ बात ही क्या होता है, प्लस अंत प्लस क्या मध्य, मध्य कर देते हैं बीच में, मध्य प्लस क्या अंत, ठीक है। ये अधिकतम का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब भी आपको अधिकतम निकालना होगा तो प्रारंभ और अंत जो होगा उसके बीच में जितने लोग को बैठा रख दीजिए, मैक्सिमम निकल जाए, उससे अधिक कभी नहीं हो सकता है। तो यहां पे हो गया 15 प्लस 5 प्लस 10, टोटल कितना हो गया 15 5 20 10 30, 30 लोग हैं, 30 व्यक्ति हैं अधिकतम। कंसेप्ट समझ में आया, जब भी अधिकतम का है तो 15 और 10 जितने भी हो प्रारंभ और अंत, उनके बीच वाला जो भी बीच की संख्याएं होंगी उनको आप मध्य में रख दीजिए, आरंभ मध्य प्लस अंत में, तो आपका अधिकतम संख्या निकल जाती है। दिक्कत तब होती है जब न्यूनतम संख्या निकालनी होती है, तो न्यूनतम का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। न्यूनतम, अधिकतम तो समझ में आ गया आपको, अब न्यूनतम की बात, अधिकतम मैक्सिमम कितने थे, मैक्सिमम आपके थे 30 व्यक्ति, न्यूनतम देखते हैं, ठीक है। न्यूनतम, न्यूनतम को समझने से पहले थोड़ा सा इसका फिर फिगर बनाते हैं। हमने कहा कि 15वें आरंभ से है, लीजिए हमने 15 नंबर पे बैठा दिया, किसे, अमन को, ठीक है। और कह रहा है सुनील जो है 10वें स्थान पे, तो इधर से हमने ला दिया 10वें स्थान पे, इधर से देखिएगा 10वें स्थान पे हो गया सुनील, समझिएगा बात को, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट, ठीक है, और ये है इंड, ENDE, इंड पॉइंट। तो जब हम इधर से काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, 10वें स्थान पे, और जब इधर से काउंट करनी थी हमें तो 15वें स्थान पे पहुंचाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 हो रहा है ना, एक हम खींच लेते हैं इधर 15, ठीक है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15वें स्थान पे हो गए और इधर से 10वें स्थान पे ये हो गए। अब हमें करना है बीच में 5 व्यक्ति, तो हम एक काम करते हैं, हम बीच में शुरू में ही हम 5 लोग को बैठा दिए, ठीक है, बीच में हमने शुरू में 5 व्यक्ति को बैठा दिए और कम से कम करना है, तो इधर से हम क्या करें, इन्हें हम 15वें स्थान पे कर दें, जो थे 15 पे पहले से, वो कौन थे, अमन, बात समझिएगा, अमन। हमने सोचा कि उन 5 लोगों को हमने इन्वॉल्व करा दिया अपने लाइन के अंदर, तो 5 लोग इसके अंदर आ गए, और कम से कम के लिए हम जो लास्ट पोजीशन है ना 5 व्यक्ति को कह रहा बैठाने के लिए, तो 5 व्यक्ति पहले आप बैठा लीजिए उनको, और क्या करिए, समझा रहे हैं, इसलिए समझिएगा, 5 व्यक्ति को पहले बैठाइए और जो अंतिम पोजीशन पर है उसको प्रारंभ से बैठा दीजिए और जो स्टार्टिंग पोजीशन पर है उसको अंत से बैठा दीजिए। तो ये हो गए 10वें नंबर पे, कौन हो गए, 10वें नंबर पे थे आपके सुनील, बात समझ लीजिएगा, ये वाला इससे बेहतर है ये वाला, ठीक है। तो प्रारंभ से हमने 15वें नंबर पे बैठा दिया, अंत से हमने 10वें नंबर पे बैठा दिया, और इनके बीच में, इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति तो हो गए बीचों बीच। अब टोटल की बात करें, न्यूनतम संख्या ऐसे निकलती है, न्यूनतम देखिएगा ये है आरंभ से, तो आरंभ रख दीजिए, आरंभ, ठीक है, और ये है अंत से, तो अंत रख दीजिए, ठीक है, अंत से तो अंत रख दीजिए। अब देखिए आरंभ भी जुड़ गया, अंत भी जुड़ गया, तो इसमें कौन कौन जुड़ा, जुड़ा कौन कौन, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या ये 15 में ये 5 इन्वॉल्व हैं, हैं, और क्या ये इधर से जब जोड़े थे ये क्या 5ों इन्वॉल्व थे इसके अंदर, तो इसके अंदर भी थे, यानी कि जब हम बात करें तो 5 इधर से भी काउंट ये हो चुके हैं और 5 इधर से भी काउंट हो चुके हैं, तो हम इन 5ों को क्या कर दें, माइनस कर दें, 5 जो मध्य है उनको माइनस कर दिया गया, ठीक है, तो 5 हमने मध्य में जो थे उनको मैंने माइनस कर दिया, और लास्ट कौन बचा, 2, क्योंकि जब ये इंसान जब इधर से काउंट हो चुका है एक बार,
तो ये इधर से सीरीज जब ये काउंट हुई तो इसमें ये भी तो काउंट हुआ होगा, यानी जब ये 15 लोगों की काउंटिंग हुई होगी तो उसमें ये भी आए होंगे, और जब इधर से 10 लोगों की काउंटिंग होगी तो उसमें ये भी जो जिस पे ये बैठे ये भी इसमें शामिल हुआ होगा, तो यहाँ पे होता है -2। या ट्रिक बस समझ लीजिए कि न्यूनतम संख्या आपको निकालनी हो, अधिकतम के लिए आपको बताया गया अधिकतम, अधिकतम तो अधिकतम के लिए आपको बताया गया कि क्या आरंभ प्लस अंत और प्लस मध्य, ना यही था मध्य, ठीक, ये आपका अधिकतम होता है। और न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम के लिए होता है आरंभ प्लस अंत माइनस, देखिएगा माइनस मध्य और -2, तो ये होता है आपका कंसेप्ट, ठीक है, ये है। तो बस आंसर निकाल लेते हैं इसका, तो न्यूनतम कितने लोग होंगे, 15 स्टार्ट में थे, अंत में कितने हैं 10, मध्य में कितने हैं -5, साइड में -2, तो देखिए 15, 10, 25 -5, -2 -7, और ये होगी घट गया आप तो यहाँ पे 18, यानी कि न्यूनतम संख्या कितनी हो गई, 18 व्यक्ति न्यूनतम हो सकते हैं, ठीक है। और इसको आप फिगर से बैठाना चाहते हैं तो बैठा के आपको एक बार दिखाई देते हैं कैसे 18 होते हैं, समझिएगा 18 लोग को हम बैठा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया ना। अब अंत से खींच कर लाइए 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दसवें स्थान पे हो गए कौन, सुनील, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पंद्रहवें स्थान पे कौन चले गए, एक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पंद्रहवें स्थान पे चले आए, ये थे अमन, ठीक है अमन, एक टोटल कितने थे 18, तो 15, 3, 18। अब काउंट करिएगा इनके बीच में होते हैं, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 इनके बीच में पांच लोग बैठे भी हैं, पांच लोग बैठ भी गए, और तो पांच इसलिए तो माइनस होता है कि भाई आपने 10 इधर से काउंट कर लिया तो हम लोग उसके अंदर आ ही चुके हैं, इधर से भी काउंट कर लिया आपने उसके अंदर भी हम पांचों लोग आ चुके हैं, और इसके बावजूद भी जो अमन थे यहां पे काउंट हो चुके हैं दसवीं बार में, और इधर से जब काउंट किए तो जो देखिए ये जो दसवें नंबर पे कौन थे, सुनील थे, वो सुनील भी काउंट हो चुके हैं अमन की सीरीज में आरंभ से, और जो ये अमन वो अंत से सुनील की सीरीज में काउंट हो चुके हैं, इसीलिए एक अमन की प्लेस और एक सुनील की प्लेस को हम अलग से -2 माइनस कर देते हैं, और पांच लोग इनके बीच में दो दो बार काउंट हो चुके हैं इसलिए एक बार हम पांच को माइनस करते हैं। तो ये सीरीज होता है, ये कंसेप्ट होता है, अधिकतम निकालना है तो आरंभ प्लस अंत प्लस मध्य कर दीजिए, और न्यूनतम निकालना हो तो आरंभ प्लस अंत माइनस मध्य -2 कर दीजिए। इससे अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी रैंकिंग की पार्ट 2 वीडियोस। तो यहाँ पे हमारे पार्ट 2 यानी रैंकिंग पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, और जैसे कि अभी हमने क्लॉक को पिछली जो टॉपिक थी क्लॉक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज रैंकिंग कंप्लीट हो गई, इन दोनों का हम एक पूर्ण वीडियो बनाएंगे, कंप्लीट वीडियोज बनाएंगे जिसमें सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में इन्वॉल्व किया जाएगा, एक ही वीडियो में बनाया जाएगा, लगभग 2-2.5 घंटे की होगी। तो रैंकिंग और उसको अगर आप देखते हैं तो ये पांचों टॉपिक को इन्वॉल्व उसी में रहेगा, तो जो छोटी टॉपिक होगी उसके अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो एग्जाम्स में आए गए हैं। तो अगर क्लासेज अच्छी लगी हो तो एंजॉय करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक, धन्यवाद।